चलिए दोस्त, नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। लेके आया हूं किसान भाइयों के लिए कमाल की जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नए पुराने दोनों तरह के थ्रेसर के बारे में, कितने के मिलेंगे, कहां से मिलेंगे, पूरी जानकारी देंगे आपको। ये मुजफ्फरनगर से मिल जाएंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, 25 किलोमीटर पुरकाजी से मिल जाएंगे। एक एक करके हम आपको सारी जानकारी देंगे, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। कॉन्टैक्ट नंबर भी हम मालिक का देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम और यहाँ का पता बताओ। नाम मेरा नदीम आनंद है। अच्छा, मैं पुरकाई से हूँ। अच्छा, मुजफ्फरनगर से कितना पड़ता है? मुजफ्फरनगर से 25 किलोमीटर है। अच्छा, तो सर बात करें इस मशीन की, इसका क्या नाम है, इसको क्या बोलते हैं? जी ये थ्रेसर है जी, नेशनल वालों की है, बठिंडा वालों की। बठिंडा वालों की, नेशनल वालों की। कितने इंच की है ये? 32-36 है जी। 32-36 है जी। अच्छा, अगर बात करें इसकी प्राइस की? जी प्राइस है इसके 1,80,000 रूपए। अच्छा, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा अगर किसान भाई अगर इस वीडियो के माध्यम से जो भी आता है यहाँ पे कस्टमर, उसको थोड़ा डिस्काउंट हो जाएगा। अच्छा, बंदा आएगा तो डिस्काउंट हो जाएगा। अच्छा, इससे कौन कौन सी फसल काट सकते हैं? इससे अपना सरसों निकाल सकते हैं। अच्छा, गेहूँ निकाल सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो जी वो तीरा वगैरह जैसे होता है उस सब में कामयाब है। सर बात करें इसकी प्रोडक्शन की, गेहूँ की बात कर लेते हैं, घंटे में कितना निकाल देती है? इसकी रिकवरी अच्छी है। जैसे पहले राजस्थानी मशीन आती थी ना, वो काफी महंगी होती थी। अच्छा, वो किसान ले नहीं पाता था, बड़ा किसान जो होता था वो ही लेता था। अच्छा अच्छा, अभी क्या है उसी की सेम कॉपी है, बठिंडा वालों ने अभी नई इस साल 2021 अच्छा अच्छा इसमें नई मशीन बनाई है, बिल्कुल उसी की कॉपी है, काफी सस्ती है उससे भी। तो मतलब घंटे में कितने क्विंटल निकाल देगी गेहूँ की अगर बात करें तो? 20 क्विंटल की रिकॉर्ड। 20 क्विंटल निकाल देगी, ठीक है। 1400 एम्पीयर पर चलती है। 1400 एम्पीयर पर चलती है, छोटा ट्रैक्टर है अपना। ट्रैक्टर कम से कम कितने एचपी का ट्रैक्टर इसको चला देगा? इसमें कम से कम अपना कम से कम 35 HP पावर। कम से कम 35 चाहिए, ज्यादा तो कितनी भी हो वो तो ऊपर तो जितना बन जो किसान है उसके वो चला सकता। अच्छा, है जैसे भी टाइप, ठीक है। ये देख लो किसान भाई, मैं आपको चारों तरफ से घूम के दिखा देता हूं। बिल्कुल अपना जो एक चीज हो रही है नहीं। हाँ जी हाँ जी, इसमें डबल पुली है। अच्छा, डबल पुली है, डबल पुली भी है। ये देखे किसान भाई, डबल पुली है इसमें, ऊपर भी है अपना। अगर ज्यादा ट्रैक्टर बड़ा है तो यहाँ चला सकते हैं, अब ट्रैक्टर छोटा है तो पिछले वाले पे चला सकते हैं। अच्छा अच्छा, छोटा है तो पिछले वाले पे चलाओ, बड़ा है तो अगले वाले पे चलाओ। और ये फैन भी लगा हुआ है, गडासे की धार लगती है, कुछ भी हो जाए इसी काम का है। ये देखिए खोल के दिखा दी, ये बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि नहीं तो गन्ना से चटवाने के लिए बार बार किसान को परेशान होना पड़ता है। अंदर से भी दिखाता हूं, इसमें डबल व्हील है। अच्छा, इसमें डबल व्हील है, ये देखिए हम आपको दिखा देते किसान भाई। ये देखिए, ये देखिए हमने आपको इसको खोल के पूरा दिखा दिया, डबल व्हील है इसमें। एक तो व्हील वो है। हाँ जी, एक तो व्हील वो हो गया, ये हो गया। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद एक व्हील, ये भी व्हील है। अच्छा, ये भी व्हील है। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। इसकी ट्राई करके देखिए हमने, बड़ी काफी अच्छी चल रही थी, काफी अच्छी चल रही है। हाँ जी, पानी का गिलास ही भर कर रखोगे तो पानी का गिलास एक इस पे रख दो। हाँ, हिंड नहीं पाएगा इतना, मतलब बिना नो वाइब्रेशन की मशीन है। अच्छा, ये देख लो किसान भाई, नहीं लगता, बिल्कुल न्यू मशीन। हाई स्पीड पंखा है इसमें, हाई स्पीड पंखा लगा हुआ है, हाई स्पीड पंखा लगा हुआ है। और ये देख लो, मैं आपको पीछे से इसको दिखा देता हूँ। और ये लो, जो पुली पहले क्या है ना, जो लेवर होती थी वो ऐसे धकेलती थी पुली। अच्छा अच्छा, अब जो इसमें कंघी लगा दी है। अच्छा, लगा दी इसमें, मतलब इससे मतलब लेवर को ना एक तो खतरा नहीं रहेगा हाथ आने का, हाथ अंदर चला जाता है। हाँ, अब क्या है इसमें पुली रखो, अंदर अपना आप लेगी, अपने आप ये अंदर लेगी। बहुत बढ़िया मशीन है जी आपकी। ये देखिए गियर बक्सा भी इन्होंने सर ने इसमें, अच्छा अच्छा, ये भी बड़ा हो गया, ठीक है। ये देख लो किसान भाइयों, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा पीछे से, देखो कितनी बेहतरीन मशीन है। चलिए हम, अच्छा नया सेट है, नया सेट साथ में। ये मतलब आप कहना चाह रहे हैं इसमें नए हैं बिल्कुल? हाँ जी। ये देखिए सर, एक्सल भी और टायर भी, एक्सल और टायर भी इसमें नए हैं, फट्टा भी साथ में, और ये फट्टा जो है ये भी साथ में। बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। किसान को पहले क्या है टायर सेट ढूंढना पड़ता था। अच्छा अच्छा, उसके बाद ये पीछे का जो तखत बोलते हैं, फट्टा बोलते हैं, इसको अलग लगवाना पड़ता था। अभी क्या पूरा कम्प्लीट दे रही है कंपनी, हम भी लेके आते हैं पूरा कंप्लीट। अच्छा, दोनों मशीन एक ही हैं? एक ही है जी। ठीक है, 1,80,000 प्राइस बताया आपने। देखिए इसकी, अच्छा अच्छा, ये इसमें स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, ठीक है। चलिए आगे से मैं आपको, नेशनल कंपनी की मशीन है ये, देखिए लिखा हुआ है नेशनल कंपनी की मशीन, बठिंडा वालों की फेमस। ये देखिए मैं आपको यहाँ से दोनों ये मशीन दिखा देता हूँ। ये देखिए बड़ी शानदार मशीन है, देखिए। अच्छा भाई साहब, इसके बारे में बताओ, अगर कोई किसान भाई पुरानी भी खरीदना चाहता है तो इसका भी हमें बता दो। ये कौन सी है? वृद्धि की, ये है कैना वृद्धि की है, सुच्चा सिंह की है। सिंह की है। अच्छा, सुच्चा सिंह की मशीन है, सेकंड हैंड मशीन है, लेकिन ये भी काफी अच्छी मशीन है।
ये सुच्चा सिंह की मशीन है। ये कौन कितने इंच में है? ये 32-36 ही है। 32-36 है। ये कितने की हो जाएगी? ये लगभग 75,000 रूपए। 75,000 की हो जाएगी। ठीक है, देखिए किसान भैया कोई लेना चाहता था, मैं आपको इसके अंदर ये घुमा के आपको दिखा देता हूँ। 75,000 रूपए की मशीन हो जाएगी, ये देख लो, बढ़िया कंडीशन की मशीन है, सुच्चा सिंह की, नाम चलता है सुच्चा सिंह का यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगली मशीन इसके बारे में। ये सोनालिका है जी। अच्छा, ये कितनी इंची की है? ये 32-36 है। 32-36। इसका प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस तो बहुत कम है यार। कितनी? 65,000 रूपए। 65,000 में हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ये देखिए, ये बिल्कुल अभी इसका थोड़ा ढंग बिगड़ा हुआ है, इसे सही करके देंगे आपको। सही करके देंगे। ये कंपनी का रंग है, हमने कराने दोबारा करा के देंगे। ये ओरिजिनल पेंट है इसका, रन नहीं, रंग का क्या करना है, ये आपको चला के देंगे अगर किसी को लेना है तो। थोड़ा रंग कराने के बाद थोड़ी अलग ही फीलिंग आती है ना मशीन। हाँ हाँ, ये भी बात, तो रंग भी करा के दे देंगे। हाँ, ये देखिए दोस्तों, चार मशीन मैंने आपको दिखाई, पहली 65,000, दूसरी 75,000, और ये जो दो खड़ी हैं, ये खड़ी हैं 1,80,000 की। ठीक है, उसके बाद कल हाँ, नई मशीन आ जाएगी, कल और मशीन आ जाएगी। अच्छा, चार मशीन कल नई आ रही है पाली वालों की। अच्छा, एक बार अपना कार्ड दिखा दो। कार्ड मेरे पास है, ये कार्ड, ये देखिए किसान भाइयों, कार्ड इनका, ये नंबर इनके दोनों, दिन में फोन करना है, रात को 10 बजे टिपलर वगैरह भी मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए किसानों, ये किसान की दुकान है, टिपलर वगैरह सब मिल जाते हैं, और हमने आपको कॉन्टेक्ट नंबर इनका दे दिया है, ये देख लो, और दिन में फोन करें 10 बजे से शाम 5 बजे तक, पूरा दिन मतलब पूरी रात परेशान ना करें। ये देख लो आप, यहाँ पे ट्रॉली वगैरह भी मिल जाती है, इनकी वीडियो हमने यहाँ पहले भी बनाई थी। धन्यवाद सर आपका। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इन मशीन को खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं, मुजफ्फरनगर से 25 किलोमीटर पड़ता है, कस्बा पुरकारी पड़ता है, यहाँ पे आपको ट्रैक्टर ट्रॉली सब कुछ मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलता हूँ ऐसी किसानों से संबंधित अगली नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।